दोस्तों आज मैं रॉन्ग टर्न सीरीज का आखिरी पार्ट रॉन्ग टर्न द लास्ट रिजॉर्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें फिर से तीनों भाई थ्री फिंगर्स, सॉ टूथ और वन आई वापस आने वाले हैं। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए आपको बता दूं कि ये मूवी रॉन्ग टर्न 1, 2 और 3 के बाद के इवेंट की है, पर इन तीनों ही मूवी तक ये तीनों भाई मारे जा चुके थे। फिर भी मूवी मेकर्स ने इन तीनों को वापस से जिंदा किया, तो ये मूवी भी काफी एंटरटेनिंग है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन को आखिर तक जरूर देखना। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम डारिया और निक नाम के एक कपल को देखते हैं, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में साइकिल राइडिंग कर रहे थे और एक जगह रुक कर ये हॉट स्प्रिंग वाटर का मजा लेते हैं, पर थ्री फिंगर इन्हें छुप कर देख रहा होता है। और जब ये यहाँ से जाने लगते हैं तो थ्री फिंगर इनका पीछा करने लगता है। वो सही मौका देख कर एक तीर से निक पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है। डारिया निक की मदद के लिए उसके पास जाती है, पर थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो निक की खोपड़ी के आर पार हो जाती है। इसके बाद डारिया बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। वो तेजी से भागने की कोशिश कर रही थी, पर वो एक नुकीली वायर में फंसकर गिर जाती है। ये नुकीली वायर वन आई और सॉ टूथ ने पकड़ी हुई थी। ये दोनों डारिया को ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर यहाँ पर आकर इस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं डैनी और टोनी को। इसके अलावा इनके साथ इनके कुछ फ्रेंड भी होते हैं। ये दोनों और इनके फ्रेंड्स घूमने फिरने के लिए एक होटल में जा रहे होते हैं, और उस होटल का नाम था हॉप स्प्रिंग्स होटल। अब कुछ टाइम पहले डैनी ने अपनी लाइफ से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश करनी चाहिए थी, पर इससे पहले उसे एक लेटर मिला, जिससे उसे पता चला कि वो हॉप स्प्रिंग्स होटल का वारिस है और अब वो अपनी नई लाइफ को एंजॉय और एक्सपीरियंस करने के लिए ही वहाँ जा रहा था। अब डैनी, उसकी गर्लफ्रेंड टोनी और उसके दोस्त चार्ली, ब्रायन, जिलियन, रॉड और विक इस होटल में पहुँच जाते हैं, और होटल के केयर टेकर जैक्सन और सैली इनका वेलकम करते हैं। लेकिन ये दोनों इन सबको देख कर ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि सिर्फ डैनी अकेला आएगा, जबकि उसके साथ उसके कई दोस्त आए थे। यहाँ पर हम एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं, जो कि इस होटल से चेकआउट कर रही होती है, और तभी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और उसके अंदर घुस जाती है, और उसी वक्त उस होटल का केयर टेकर जैक्सन वहाँ पे आता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन को तोड़कर मरोड़ देता है, इससे वो औरत मर जाती है। और यहाँ जैक्सन उन तीनों भाइयों को आवाज लगाकर कहता है, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका इस होटल का उन तीनों म्यूटेंट भाइयों से कुछ न कुछ लेना देना जरूर है। खैर, दूसरी तरफ डैनी और उसके सभी दोस्त उस होटल की चीजें देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि वो चीजें काफी कीमती और महंगी थी, और ये सब कुछ अब डैनी का होने वाला था। रात को हम केयर टेकर जैक्सन को जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो इन तीनों भाइयों से मिलता है और उनको समझाता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और उसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि ये तीनों भाई और जैक्सन आपस में भाइयों की तरह है, और इसके अलावा वो दूसरी केयर टेकर सैली भी इनकी बहन की तरह ही है। अगली सुबह डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी डैनी को ढूंढती है, पर तभी उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है, जो कि एक जगह पर खून साफ कर रहा था, और ये वही जगह थी जहाँ पर उस बूढ़ी औरत को मारा गया था। लेकिन टोनी यहाँ इस सब को इग्नोर करके चली जाती है। इधर ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड जिलियन कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट आए होते हैं। वहाँ पर उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर इस जगह के बहुत से मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे होते हैं। इसी दौरान यहाँ के शेरिफ भी यहाँ पर आते हैं और एक और तस्वीर लगा देते हैं। ये तस्वीर उसी बूढ़ी औरत की है जिसकी गर्दन जैक्सन ने तोड़ी थी। दूसरी तरफ होटल के अंदर जैक्सन डैनी को कई तरह के खानदानी हथियार दिखाता है, और इन सब में उसे एक तीर कमान बहुत पसंद आता है। इसके बाद जैक्सन डैनी को कहता है कि चलो हम शिकार करने चलते हैं। डैनी मान जाता है, जिसके बाद वो शिकार करने जंगल में चले जाते हैं। यहाँ इन्हें एक हिरन नजर आता है। अब जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है, लेकिन जिस तरह से वो इंसानों को मारने की टेक्निक सिखा रहा था, ठीक वैसे ही इधर थ्री फिंगर शेरिफ को मार डालता है, और यहाँ डैनी हिरन को मार देता है। दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं, जो विक को डैनी को जंगल से बुलाने के लिए बोलती है। जब विक जंगल में जाता है तो वो वहाँ पर उस मरे हुए हिरन को देखता है, और सॉ टूथ उस हिरन को बुरी तरीके से खा रहा था। विक ये देखकर डर जाता है और भागने लगता है, और भागते भागते डैनी से टकरा जाता है। ये दोनों खुद को नहीं संभाल पाते और दोनों नीचे ढलान में जाकर गिर जाते हैं। गिरते वक्त डैनी एक नुकीली तार में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी भी हो जाता है। इसके बाद डैनी विक से मदद बुलाने के लिए कहता है, लेकिन तभी जैक्सन यहाँ पर आकर इन दोनों की हेल्प करता है और डैनी को यहाँ से निकाल कर वापस अपने होटल में ले आता है। इसके बाद सैली डैनी का खून साफ करती है और खानदानी दवा लगाती है, पर उसी दौरान टोनी भी उस रूम में आ जाती है, जिसके बाद केयर टेकर सैली यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में होता है और वो अपनी सारी दवाइयाँ फ्लश कर देता है, क्योंकि उससे अब पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, और खासकर तब से जब से उसने हिरन को मारा था। अब खाने के वक्त वो अपने दोस्तों को बताता है कि अब मुझे ये होटल पसंद आने लगा है
और अब मैं यही रुकूंगा और इस होटल को चलाऊंगा। पर बाकी लोग यहाँ नहीं रुकना चाहते थे और वो वापस लौटना चाहते थे। अब डैनी के दो दोस्त बहुत लालची थे। इन्हें पता था कि इस होटल में बहुत सी एंटीक स्टैचू हैं जिनकी बाजार में काफी महंगी कीमत है, इसीलिए ये स्टैचू को अपने बैग में भरने लगते हैं। इसी तरह और चीजों की तलाश में वो इधर उधर फिरते हैं और फिर आखिर में महंगी कीमती चीजों की तलाश में ये बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ी सी इंटर कोर्स करने के लिए जगह बनी हुई थी। और ये सब देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि इंटर कोर्स करने वालों को बहुत से लोग एक घेरा बनाकर देखा करते होंगे। अब ये दोनों यहाँ पर इंटर कोर्स करने लगते हैं और केयर टेकर सैली इन दोनों को यहाँ पर देख लेती है। और कुछ देर बाद वो तीनों भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस लड़के के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। और ये तीनों भाई जिलियन के हाथ पांव उखाड़ देते हैं, जिसकी वजह से जिलियन मारी जाती है। और ये इस लड़के को भी मारने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त सैली उसको रोक देती है और इन तीनों भाइयों को यहाँ से भगा देती है। इसके बाद सैली ब्रायन को अपने रूम में ले जाकर उसके साथ इंटर कोर्स करने की कोशिश करती है। पर जैक्सन यहाँ आ जाता है और समझाता है कि तुम्हें अपने आप को डैनी के लिए तैयार करना है, ये सब करके तुम्हें अपने आप को इम्प्योर नहीं करना है। इसके बाद सैली उसके मुंह पर तकिया डाल देती है और उसका दम घोटकर मार डालती है। दूसरी तरफ डैनी टोनी से झगड़ा कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों केयर टेकर जैक्सन और सैली डैनी को अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स से मिलाने के लिए कहते हैं और डैनी इसके लिए तैयार भी हो जाता है। ये दोनों उसे जंगल में एक छोटे से गाँव की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर सारे के सारे डिफॉर्म लोग बैठे होते हैं। ये सब डिफॉर्म लोग डैनी के ही फैमिली के थे। ये दोनों डैनी को एक खानदानी नशीली चीज देते हैं, जिसके बाद सैली बताती है कि यहाँ शुरुआत में तीन फैमिली रहने आई थी और उन्हीं में से तुम एक फैमिली को बिलोंग करते हो, जिनका नाम हिलिकर है, और जितने भी ये बाकी के डिफॉर्म लोग हैं वो प्योर ब्लड नहीं है। अब जैक्सन कहता है कि सैली और तुम प्योर ब्लड हो और तुम दोनों ही हिलिकर फैमिली को आगे ले जा सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त विक ट्रक के पीछे छुपकर इनकी सारी बातें सुन रहा था और उसी वक्त सोटूथ पीछे से आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। विक डैनी से बहुत मदद मांगता है, पर डैनी जैक्सन और सैली की बातों में आकर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसके बाद थ्री फिंगर विक को उल्टा लटका कर उसका गला काट देता है, जिसकी वजह से खून नीचे गिरने लगता है और वो सब लोग जो आसपास बैठे थे एक प्याला लेकर उसका गिरने वाला खून उसमें भरने लगते हैं। इसके बाद वो उस खून को पी जाते हैं और एक खून का प्याला डैनी को भी दिया जाता है और डैनी अपने ही दोस्त का खून पीने लगता है। अगली सुबह डैनी जब होटल में वापस आता है तो टोनी उसे देखकर परेशान हो जाती है और वो उसे कहती है चलो अब हम इस होटल से चलते हैं। डैनी अभी इस होटल से और डिफॉर्म लोगों के गाँव को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। वो इन सबको कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा। और इस वक्त तक डैनी अभी भी अपनी खानदानी ड्रग के नशे में ही था, जो रात को सैली और जैक्सन ने उसको दिया था। अब ये सब किचन में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जैक्सन इंसानी मांस को काट रहा होता है और उसे फ्राई करके खा रहा था। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। तभी इनकी नज़र फ्रीजर में पड़ती है, जहाँ पर इन्हीं की एक दोस्त जिलियन का कटा हुआ सर पड़ा था, जिसे देखकर ये सब लोग वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। ये भाग ही रहे होते हैं कि तभी वो तीनों भाई इनके पीछे पड़ जाते हैं। इन तीनों भाइयों से बचकर रॉड और टोनी भाग जाते हैं, पर चार्ली पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसके मुंह में एक पाइप लगा देते हैं और उसके अंदर पानी भरने लगते हैं। पर चार्ली इन तीनों को कब्जा नहीं देता, जिसके बाद ये तीनों पाइप को उसके प्राइवेट पार्ट में घुसा देते हैं, जिससे उसके पेट में इतना पानी भर जाता है कि पानी के प्रेशर से उसका पेट ही फट जाता है और चार्ली मारा जाता है। अब हम रॉड और टोनी को देखते हैं। रॉड टोनी से यहाँ से भागने के लिए कहता है, पर टोनी डैनी के बगैर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो डैनी को ढूंढने के लिए चली जाती है और रॉड अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन भागते हुए उसका पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। वो अब कहीं भी नहीं भाग सकता था। वो तीनों भाई उसको पकड़ लेते हैं और उसके सर पर चाकू मारकर उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इधर टोनी जो कि डैनी को ढूंढ रही होती है, वो वहाँ से एक गन उठाकर डैनी को ढूंढने लगती है और उसी बेसमेंट में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे सैली नजर आती है। और यहाँ पर इन दोनों की आपस में काफी लड़ाई होती है और मौका मिलते ही टोनी सैली का मुँह गर्म पानी में डाल देता है और अपनी गन उठाकर उसको शूट कर देती है। लेकिन तभी डैनी भी यहाँ पर आ जाता है और टोनी से गन छीन लेता है और सैली को जाकर देखता है कि वो जिंदा है या मर गई। अब डैनी टोनी को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अब टोनी यहाँ से भागने लगती है, तभी उसी होटल का दूसरा केयर टेकर जैक्सन आता है और टोनी को पकड़ने की कोशिश करता है और अपने आप को बचाने की कोशिश में टोनी जैक्सन को मार डालती है। इससे पहले कि टोनी वहाँ से भागती, डैनी वहाँ पर आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड टोनी पर गन तान देता है, क्योंकि उसने उसके एक फैमिली मेंबर जैक्सन को मार दिया था। इसके बाद थ्री फिंगर टोनी को भी जान से मार देता है और अब कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है। और अब हम देखते हैं कि डैनी अब उस होटल को चला रहा होता है और वहाँ पर आने वाले लोगों को वेलकम कर रहा होता है और साथ ही अपने होटल की आड़ में इंसानों को मारकर होटल में ठहरने वाले लोगों को ही उनका मांस खिला रहा है। और इसके बाद हम डैनी को बेसमेंट में जाते हुए देखते हैं और वो सैली के साथ इंटर कोर्स करता है ताकि उसकी जनरेशन आगे बढ़े, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।